हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में देखेंगे क्लास स्क्वायर मैथ एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालना है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2 इज इक्वल टू वाई। अब हमें वाई की वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए जो साइन 1/2 की जो वैल्यू है वो क्या होता है, वो होता है 30 डिग्री। जब इसको पाई में चेंज करेंगे तो ये होता है π/6। तो इसका वैल्यू हम साइन 1/2 की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर साइन माइनस का साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन π/6 इक्वल टू वाई। अब यहां पर देखिए ये साइन साइन इनवर्स और साइन ये कैंसल होगा, और कैंसल तभी होगा जब ये इसके प्रिंसिपल रेंज में आते हैं। तो इसका प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, साइन का प्रिंसिपल रेंज आपको याद रखना है -π/2 यानी कि -90 से लेके +90 के बीच में अगर वो आता है तो वो इससे कैंसल होगा। अब ये π/6 का मतलब क्या है, ये 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री -90 से लेके +90 के बीच में आता है, इस वजह से ये कैंसल हो जाएगा। ये कैंसल होगा तो क्या बचेगा π/6 यानी कि y = π/6, यही इसका आंसर है। और जहां पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट में वेयर π/6 बिलोंग्स, क्योंकि जो π/6 है वो बिलोंग करता है -π/2 यानी कि -90 से लेके π/2 यानी +2 में। अब अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2, सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन से ठीक किया था, लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कुछ फॉर्मूले, cos √3/2 ये किसका मान होता है, तो आपको याद रखना है cos 30 डिग्री का होता है, जो cos 30 डिग्री होता है वो π/6 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cos इनवर्स, और जहां पे जो √3/2 है इसकी जगह हम लिखेंगे cos π/6 ब्रैकेट, और ये दोनों को कैंसिल करेंगे। अब इसका प्रिंसिपल रेंज क्या है, तो इसका प्रिंसिपल रेंज आपको पता होना चाहिए, तो cos का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो 0 से लेके पाई तक यानी 0 से लेके 180 के बीच में होता है, यानी कि ये π/6 का मतलब 30 यानी कि ये इसके बीच में आता है, 0 से लेके 180 के बीच में 30 आता है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा π/6 बचेगा, यानी कि π/6 हमारा बचा, यही हमारा आंसर है। और जहां पर हम लिखेंगे वेयर π/6 बिलोंग, क्योंकि जो π/6 है वो बिलोंग करता है 0 to π, ये इसका सही सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने दिया है cosec इनवर्स ब्रैकेट 2, सेम उसी तरह से इसको भी लेट करेंगे, लेट cosec इनवर्स 2 इक्वल टू वाई। हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि cosec 2 की जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री होती है। इसका एक चार्ट आता है, इसमें से आप याद कर सकते हैं क्या, वहां से आप देख सकते हैं, और ये इसका 30 होता है यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेम उसी तरह से लिखेंगे cosec इनवर्स cos cosec π/6, ये π/6 हो गया। अब हमें प्रिंसिपल रेंज इसका पता करना है,
प्रिंसिपल ब्रांच कॉसेक का क्या होता है, तो आपको ये बात याद रखनी है, माइनस 90 से लेते माइनस प्लस 90 एक्सेप्ट जीरो, यानी कि माइनस 90 से लेकर प्लस 90 के बीच में आ, यानी कि 30 जो है वो माइनस 90 से लेकर प्लस 90 के बीच में आता तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर नहीं आता तो कैंसिल नहीं हुआ, ये क्या बच जाएगा, ये पाई बाई सिक्स बच जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर भी पाई बाई सिक्स, यही इसका आंसर है। और जहां पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट में लिखेंगे जो हमारा पाई बाई सिक्स है वो बिलोंग करता है माइनस टू 90 से, या फिर माइनस का पाई बाई टू से लेकर प्लस का 90 यानी कि प्लस का पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने दिया है 10 इनवर्स माइनस का रूट, तो हम सेम इसी तरह से लेट करेंगे, लेट यहाँ सॉल्यूशन में लेट 10 इनवर्स माइनस का रूट 3 स्क्वायर टू वाई। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है कि 10 इनवर्स माइनस एस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का 10 इनवर्स एक्स, माइनस का 10 इनवर्स एक्स होता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम ये वाला पार्ट लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 10 इनवर्स, ये हो जाएगा रूट 3, ये हो जाएगा रूट 3। अब इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, 10 रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 10 रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री होता है, यानी 60 डिग्री को हम पाई में चेंज करेंगे तो पाई बाई 3 हो जाएगा। अब हम रूट 3 की जगह पे हम पाई बाई 6 रखेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम ये थे, माइनस अपनी जगह रहेगा 10 इनवर्स, जहां आप लिखेंगे 10 पाई बाई 3। अब देखेंगे क्या प्रिंसिपल रेंज में पाई बाई 3 आता है या नहीं, तो प्रिंसिपल रेंज क्या होगा 10 का, तो 10 का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो माइनस का पाई बाई 2 और पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 2। अब यहां पर देखिए ये सर्कुलर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये है कि यहां पे माइनस का पाई बाई 2 और पाई बाई 2 ये यहां पर इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि जो माइनस का 90 और जो प्लस का 90 है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि जो माइनस का 90 है और ये माइनस का 90 है और ये प्लस का 90, इनके बीच में 60 आता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस पाई बाई 3 बच जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 3। यहां भी स्टेटमेंट में लिखेंगे वेयर पाई बाई 3 बिलोंग माइनस का पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया है cos इनवर्स माइनस का 1/2, सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट करेंगे लेट cos इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू y। अब यहां पर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको याद रखना है cos इनवर्स माइनस x का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको माइनस में है तो नहीं निकाल सकते, तो उसको इस तरह से लिखेंगे पाई माइनस का cos इनवर्स x, ये इसका फॉर्मूला है, आपको इसे ध्यान में रखना है। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, यहां लिखेंगे पाई माइनस का cos इनवर्स और x की जगह 1/2 रहेगा, x की जगह 1/2, तो आपको पता होना चाहिए कि cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी 60 डिग्री को हम पाई में चेंज करें तो क्या होगा, पाई बाई 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पाई अपनी जगह रहेगा, माइनस का cos इनवर्स ब्रैकेट में cos पाई बाई 3। अब cos का रेंज देखेंगे क्या होगा, प्रिंसिपल रेंज, तो जब हम प्रिंसिपल रेंज यहाँ पर कटिंग डाल देते प्रिंसिपल रेंज, तो cos का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो 0 से लेके 180 के बीच में होता है, तो 60 डिग्री क्या उसके बीच में है, बिल्कुल है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई माइनस इसलिए पाई बाई 3 बचेगा, एलसीएम लेंगे आएगा 3, ये जाएगा 3 पाई माइनस का पाई, यहाँ पे सॉल्व करते हो जाएगा 2 पाई बाई 3, इसका आंसर, यानी कि y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। और इसको यहाँ पे लिखेंगे वेयर वेयर पाई बाई 3 जो है वो इस प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करता है, प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करता है,
नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स माइनस वन, सेम उसी तरह से इसको भी लेट करेंगे, लेट सॉल्यूशन यहाँ पे एडिंग डालू होगा, सॉल्यूशन लेट टेन इनवर्स माइनस का वन बाय माइनस का वन इक्वल टू वाई, तो बीच यहाँ पे आया माइनस, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे माइनस का, टेन इनवर्स माइनस वन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे आपको ढेर सारे फॉर्मूले भी आपको याद रखने, तभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाए। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माइनस का टेन इनवर्स, ये हो जाएगा ब्रैकेट में वन, तो टेन वन इसकी वैल्यू होती है, ये होता है 45 का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का वैल्यू होता है टेन, तो उसको पाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन 5/4। अब हम प्रिंसिपल रेंज में देखेंगे कि ये आता है या नहीं, तो टेन का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो क्या होता है, वो माइनस 5/2 से लेके प्लस का 5/2, यानी कि माइनस के 90 से लेके प्लस का 90, जहां पे 90 माइनस के 90 और प्लस का 90 इन्वॉल्व नहीं है। तो 45 डिग्री, अब देखिए यहाँ पे 45 डिग्री, तो यानी 45 डिग्री जो है माइनस 90 से लेके और प्लस 90 के बीच में आता है, जो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास माइनस का 5/4, यानी कि y स्क्वायर टू हमारा माइनस का 5/4 आ जाता है, यही हमारा आंसर है। और यहाँ पे सेम उसी तरह से लिखेंगे 5/4 बिलोंग करता है किससे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर वो सर्कुलर ब्रैकेट है, यहाँ पे बिलोंग करता है माइनस का 5/2, यानी माइनस के 90 से लेके प्लस का 90, यानी कि 5/2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया है, सेट इनवर्स 2/√3, सेम इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे लेट सेट इनवर्स 2/3 इक्वल टू वाई। अब हमें देखना है कि ये जो सेट 2/√3 है ये किसकी वैल्यू है, तो हम चार्ट में देखेंगे तो ये 30 डिग्री की वैल्यू है, जब इसको पाई में चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 5/6 हमें मिलेगा, तो सेम उसी तरह से हमें करना है, कोई चेंज नहीं है, सेट इनवर्स यहाँ हो जाएगा सेट, ये हो जाएगा 5/6, ये लगाते हुए ब्रैकेट। अब देखेंगे क्या सेट का जो प्रिंसिपल रेंज है उसके बीच में आता है कि नहीं, इसका प्रिंसिपल रेंज होता है 0 से लेकर 5 एक्सेप्ट 5/2, ये इसका प्रिंसिपल रेंज है, तो प्रिंसिपल रेंज आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, इसका प्रिंसिपल रेंज है, तो 0 से लेकर 180 के बीच में 30 आता है, तो यानी कि कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा 5/6, यहाँ 5/6 बच जाएगा, यानी कि जो हमारी वाई की वैल्यू है, यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो वाई की 5/6 आ गए, ये हमारा आंसर है। और यहां पर हम लिखेंगे वेयर 5/6 बिलोंग 0 to π एक्सेप्ट 5/2, ये इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी तरह से सॉल्व करना है, दो बदलाव में है, ऐसे करते चले जाइए, लेट लेट करनी cot इनवर्स √3 इक्वल टू वाई। अब हमें देखना है कि cot √3 ये किसकी वैल्यू है, तो आपको पता होना चाहिए cot √3 जो है ये 30 डिग्री की वैल्यू है, इसको पाई में चेंज करेंगे तो पाई का 6 यहाँ पे हमको मिल जाएगा। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, तो अब इस बात के लिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर cot इनवर्स लिखेंगे cot 5/6, यहाँ पे उसके लिए इसको लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में लिखूंगा cot 5/6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या ये cot के प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं, तो cot का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, तो cot का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो 0 से लेकर 180 होता है, तो जहां पर आप
इधर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5/6 इक्वल टू 0, यानी कि ये इसका आंसर है। इसको हटा दीजिए, यानी राइट जो वैल्यू है 5/6 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर 5/6 बिलोंग 0 to 5। नेक्स्ट वन, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/√2। सेम उसी तरह से सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 इक्वल टू वाई। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस माइनस एक्स यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। इसका जो फॉर्मूला होता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, तो ये पूरा पार्ट लिख देंगे यहाँ पे, जाएगा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह यहां लिखेंगे 1/2। तो यहाँ पे देखेंगे जो कॉस 1/2 की वैल्यू है वो क्या है, तो सॉरी 1/2 नहीं, रूट 1/√2 है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 45 डिग्री होती है, यानी कि इसका पाई में चेंज करेंगे तो 5/4 आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 5/4। अब इसका प्रिंसिपल रेंज देखेंगे, तो प्रिंसिपल रेंज क्या होता है कॉस का, कॉस का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो 0 से लेके 5 होता है, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगे 0 से लेके 5, यानी कि 0 से लेके 180 होता है, यानी 180 के बीच में ये आता है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई माइनस जो पाई बाई 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा 4 पाई माइनस का पाई, तो ये हो जाएगा जो यहाँ को लिख देते हैं 3π/4, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 3π/4। अब यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में वे आर 5/4 बिलोंग्स 0.5, ये इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक इनवर्स माइनस का रूट 4। अब सेम इसी तरह से फिर से लेट करें कोसेक इनवर्स माइनस का रूट 2 उसको लेते हैं वाई। तो आपको पता होना चाहिए कोसेक इनवर्स माइनस एस का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स होता है, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे ये लिखेंगे, इसकी जगह पे हम ये हिस्सा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेज इनवर्स और एक्स की जगह लिखेंगे हम ये रूट 2 माइनस नहीं इक्वल टू वाई। अब आपको पता होना चाहिए कॉसेज रूट 2 की वैल्यू क्या हो, कॉसेज रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो 45 डिग्री होती है, इसको पाई में चेंज करेंगे तो 5/4 आ जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस अपनी जगह रहेगा कॉसेज इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 5/4। अब देखेंगे क्या ये कॉसेक के प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं, तो कॉसेक का जो प्रिंसिपल रेंज होता है माइनस का 5/2 यानी माइनस का 90 से लेकर ये हो जाएगा 5/2 एक्सेप्ट 0। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 5/4 बच जाएगा, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5/4, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे लिखेंगे सेम उसी तरह से वेयर 5/4 बिलोंग्स माइनस का 5/2 स्क्वायर ब्रैकेट है मामा 5/2 माइनस का सॉरी एक्सेप्टेड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कुछ अलग तरीके से है, टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। यहाँ पे उन्होंने एक साथ दे दिया, तो एक साथ दे दिया तो हम क्या करेंगे एक साथ लेट कर लेंगे, लेट टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ये ब्रैकेट हो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा
वाइस। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे, तो यहां पर टेन इनवर्स वन, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, टेन इनवर्स वन को हम ऐसे लिखा रहने देंगे। अब देखिए उसको चेंज करेंगे, तो कॉस इनवर्स माइनस एस का जो फॉर्मूला होता है माइनस उसका जो फॉर्मूला होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई माइनस का कॉस इनवर्स वन बाय टू माइनस, अब देखिए इसको भी हम चेंज करना है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो साइन इनवर्स माइनस एस का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे इसकी जगह पे ये हो जाएगा ये प्लस है और माइनस का साइन इनवर्स वन बाय टू एक्स नहीं रहेगा, ये वन बाय टू हो जाएगा इस तरह से। तो इसको टेन इनवर्स को ऐसे लिखा रहने देते हैं, अभी टेन इनवर्स वाई प्लस पाई माइनस का अब कॉस वन बाय टू, यानी कि कॉस वन बाय टू इसका वैल्यू होता है ये 60 डिग्री का होता है, पाई में चेंज करेंगे तो ये पाई बाई थ्री हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय थ्री, जो ब्रैकेट लगा देंगे और वो माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो, और साइन वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, साइन वन बाई टू जो होता है वो 30 की वैल्यू होता है, साइन वन बाई टू जो है वो 30 की वैल्यू होता है, इसको चेंज करेंगे तो किसमें आ जाएगा फाइव बाई सिक्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स वन बाई टू नहीं, वन बाय टू नहीं होगा, साइन फाइव बाय सिक्स। अब यहाँ पे देखें से फाइव बाय थ्री, यानी कि फाइव बाय थ्री का मतलब क्या है, ये 60 डिग्री है, क्या इसका प्रिंसिपल रेंज में आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि कॉस का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो क्या होता है 0 to 5, यानी कॉस का प्रिंसिपल रेंज 0 to 5 होता है, और साइन का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है माइनस 90 से लेकर माइनस सॉरी प्लस 20 तक, सॉरी माइनस 90 से लेकर प्लस 90 तक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन वन का मान, टेन वन की जो वैल्यू होती है 45 होता है, इसको इसमें चेंज करेंगे फाइव तो फाइव बाय फोर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स टेन फाइव बाय फोर, फाइव अपनी जगह रहेगा ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का फाइव बाय थ्री बचा, अब ये कैंसिल होगा तो माइनस का फाइव बाय सिक्स बचा, ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइव बाय फोर प्लस फाइव माइनस का फाइव बाय थ्री, और जो देगा माइनस, इसको यहाँ पे रेस कर देते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं रेस हो गया, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं जो, अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 12, एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, इससे पहले हम यहाँ पे इनका स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे जो फाइव बाई फोर है, फाइव बाई फोर, तो एस फाइव बाई फोर जो है ये बिलोंग करता है इससे माइनस के फाइव बाई टू से लेके प्लस का फाइव बाई थ्री से बिलोंग करता है, और जो हमारा कॉस वाला कॉस वो इससे बिलोंग करता है कॉमा फाइव बाई थ्री ये बिलोंग करता है 0.5, एंड जो फाइव बाई सिक्स है ये किससे बिलोंग करता है फाइव बाई सिक्स, फाइव बाई सिक्स जो है ये माइनस का फाइव बाई टू से लेकर प्लस के फाइव बाई टू से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12, 12 लेने के बाद ये हो जाएगा 3 पाई और प्लस का 12 पाई माइनस का 4 पाई माइनस का 2 पाई। आई होप ये सब चीजें आपको आते होंगे, जिसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 15 पाई माइनस का 6 पाई अपॉन 12। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 बाई 12, काटपीट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई, तो यानी कि y इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को भी सेम इसी तरह से सॉल्व करना है, कोई बदलाव नहीं है, लेट करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, लेट cos इनवर्स 1 बाई टू प्लस 4 साइन इनवर्स
वन बाई टू इज इक्वल टू वाई। अब देखेंगे यहाँ पे कॉस वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, कॉस वन बाई टू होता है जिन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू होती है, जिसको पाई में चेंज करेंगे तो पाई बाय थ्री आएगा, और साइन को चेंज करेंगे तो साइन वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है थर्टी डिग्री की, जब इसको चेंज करेंगे पाई में तो पाई बाय सिक्स आएगा। तो वहां पे डायरेक्ट लिखेंगे कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस पाई बाय थ्री प्लस टू साइन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय सिक्स। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो कंडीशन है ये प्रिंसिपल रेंज में आता है यानी, तो कॉस का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो जीरो से पाई होता है, बार बार इसको लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और साइन का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो क्या होता है, माइनस का फाइव बाई टू से लेकर प्लस का फाइव बाई टू, यानी कि जो आया है कॉस का सिक्सटी डिग्री, सिक्सटी डिग्री इसमें अंदर आता है तो कैंसिल हो गई फाइव बाई थ्री बचेगा, प्लस जो अपनी जगह साइन कितना था थर्टी डिग्री, थर्टी डिग्री जो है इसके अंदर आता, तो यहाँ पर लिखेंगे निकल जाएगा इंटू पाई बाय सिक्स। अब ये कट जाएगा थ्री हो जाएगा, अब इसका एलसीएम लेंगे तो टू पाई आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि वाई इक्वल टू टू पाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस जो पाई बाय थ्री है हमारा वो जीरो कॉमा पाई से बिलोंग करता है, एंड इसकी बात हो रही है यानी कि कॉस की बात हो रही है, यानी कि उसकी साइन की जब बात करें तो जो हमारा पाई बाई सिक्स है, यानी कि जो हमारा पाई बाई सिक्स है वो बिलोंग करता है माइनस का पाई बाई टू से लेके प्लस का पाई बाई टू तक। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन। अब क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई देन, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो साइन इनवर्स एक्स इसका जो प्रिंसिपल रेंज होता है साइन एक्स का ये होता है, साइन का जो प्रिंसिपल होता है माइनस का पाई बाई टू से लेके प्लस का पाई बाई टू। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस का 90 और प्लस का जो 90 है वो इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे एक 10 भी है जहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट लगा होता है माइनस का पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू। इसका मतलब ये है कि इसमें माइनस 90 और प्लस का 90 इन्वॉल्व नहीं होता है, बाकी उसके आगे के नंबर बीच जो नंबर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब जहां पे आया है साइन एक्स, यानी कि यहाँ पे माइनस का 90 और प्लस का 90 दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पे ये किसी तरह से नहीं ऑप्शन है ना ही ये ऑप्शन है, और सॉरी ये है ऑप्शन ये नहीं है, तो फाइव बाई टू देखिए यहाँ पे साइन में दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन लगा है वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी कि वाई जो है वो उससे बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, और इसका मतलब ये है वाई जो है सिर्फ उससे बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि साइन साइन का जो प्रिंसिपल रेंज है वो कहता है कि जो माइनस 90 और प्लस 90 है वो इन्वॉल्व रहेंगे, यानी कि वाई का जो वैल्यू है वो बड़ा है और साथ में उसके बराबर भी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस का सेक इनवर्स माइनस का टू इक्वल टू, ये किसके बराबर। तो यहाँ पे हम सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेट टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस का सेक इनवर्स माइनस का टू इक्वल टू वाई। अब देखेंगे कि वो जो टेन रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, ये 60 डिग्री होता है ये आपको पता होना चाहिए, और इसको पाई में चेंज करेंगे तो आएगा पाई बाय थ्री। तो यहाँ पे सेम उसी तरह से टेन पाई बाय थ्री ये ब्रैकेट लगाएंगे माइनस का, अब देखिए इसको चेंज करना पड़ेगा तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेक इनवर्स माइनस एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स टू। तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट लगा के पाई माइनस का सेक इनवर्स टू। अब सेक जहां पे अब इसको चेंज करेंगे तो सेक इनवर्स टू या फिर सेक टू की वैल्यू कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री होती है, अगर इसको चेंज करें तो पाई बाय थ्री आएगा। तो ये दोनों पहले देखेंगे प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं, तो टेन का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो ब्रैकेट माइनस का पाई बाय टू से लेकर
प्लस का फाइव रेट होता है, यानी माइनस 90 से लेकिन प्लस 90 के बीच में होता है, यानी इसके रेंज में आता है, तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा फाइव बाई थ्री माइनस का। अब ये इसको ओपन कर देंगे, हो जाएगा प्लस, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स ब्रैकेट सेक पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री माइनस का पाई, ये हो जाएगा प्लस का पाई बाय थ्री। अब यहाँ पर आंसर मिलेंगे थ्री, ये हो जाएगा पाई माइनस का थ्री पाई, ये हो जाएगा पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टू पाई माइनस का थ्री पाई अपॉन थ्री, माइनस कर देंगे माइनस का फाइव बाई थ्री, यानी कि वाई इक्वल टू हमारा क्या आया, माइनस का फाइव बाई थ्री। अब जहां पे एक चीज लिखना है, वेयर वेयर जो हमारा फाइव बाई थ्री था, यानी ये वाला फाइव बाई थ्री, ये बिलोंग करता है माइनस का फाइव बाई टू से और लेकर प्लस के फाइव बाई टू तक। एंड जो हमारा पाई बाई थ्री, यानी ये किससे बिलोंग करता है, ये जो है बिलोंग करता है ये वाला हिस्सा, यानी कि ये इसका हिस्सा, यानी कि उसकी बात हो रही, तो ये बिलोंग करता है जीरो से लेके पाई तक, एक्सेप्ट पाई बाई टू, ये इसका सॉल्यूशन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।